जय हिंद साथियों वेलकम टू एग्जाम सोच यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सितंबर 2023 में जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था कुल 27 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था और इन 27 शिफ्ट में जितने भी जी के जी के प्रश्न पूछे गए थे आज के इस वीडियो में करेंगे और ये प्रश्न आपके एस एस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा सत्ताईस शिफ्ट में जितने भी जी के जी के प्रश्न पूछे गए हैं आज के इस वीडियो में करेंगे पहली सेफ्ट का एग्ज़ाम फर्स्ट सेप्टें्बर को शुरू हुआ था और ये चौदह सेप्टें्बर तक एग्ज़ाम चला था दोस्तों कुल सत्ताईस सेफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था तो आज के इस वीडियो में हम इन सत्ताईस सेप्टों में पूछे गए जी के जी के प्रश्नों को करेंगे तो सबसे पहले हम पहली शिफ्ट का जो जितने भी प्रश्न पूछे गए थे पहली सेफ्ट में उन प्रश्नों को करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन क्रेकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सहलेखकों में से एक हैं तो आयुष्मान खुराना है दोस्तों क्रेकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक जो हैं इसे आयुष्मान खुराना ने लिखा हैं। अगला है अगला प्रश्न पूछा गया था कि कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कितने पाकिस्तान के लिए सम्मानित किया गया था कमलेश्वर को 2003 में साहित्य अकादमी अवार्ड से भारतीय संविधान के अनुच्छेद चौवालीस का उद्देश्य क्या है तो आर्टिकल फोर्टी फोर जो है डी में बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में बताया गया है और इसका उद्देश्य है इसका पर्पज है भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है टू सिक्योर फॉर सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया इसका पर्पज़ है अगला प्रश्न है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है भारत के निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है सिलचर और पोरबंदर को आपस में जोड़ता है पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर और पोरबंदर को आपस में जोड़ता है निम्नलिखित में से कौन शब्द तैराकी यानी कि स्विमिंग के खेल से संबंधित नहीं है तो पेनाल्टी कॉर्नर है जो स्विमिंग से संबंधित नहीं है पेनाल्टी कॉर्नर हैं किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसे सांगपो के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को अगला प्रश्न है कि यक्षगान एक लोक नृत्य है जो देश राज्य से संबंधित हैं तो यक्षगान जो लोक नृत्य हैं ये कर्नाटक से रिलेटेड है कर्नाटक में होता है पृथ्वी की प्रपर्टी में मौजूद सातवीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु का नाम क्या है जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है तो पोटेशियम धातु है दोस्तों पोटेशियम धातु है जिसका नाम कैलियम शब्द से लिया गया है निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एम जी रनाटे और जी बी जोशी के द्वारा की गई थी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा के डैश की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या है तो डेबिट कार्ड जो है इससे सीधे बैंक से बैंक के खाते से पैसे निकाले जाते हैं जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक एक निश्चित लिमिट तक आप ऋण ले सकते हैं लोन ले सकते हैं निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत हुई थी बंगाल में और रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने किया था स्वामी विवेकानंद ने किया था दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने अक्टूबर 2022 में विराट कोहली टी क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने हैं ग्यारह हज़ार रन पूरे बन करने वाले पहले भारतीय बने हैं विराट कोहली नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रानी मचैया डेस लोक नर्तकी हैं जिन्हें दो में पद्म सीरीज से सम्मानित किया गया है तो ये उमाथत लोक नर्तकी हैं रानी मचैया अठारह में ब्लैक रिएक्शन तकनीक ब्लैक रिएक्शन टेक्निक से रंगे तंत्रिका उत्तक यानी कि नर्वस सिस्टम नर्बद टिश्यू की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था तो कैमिलो गोलगी ने प्रकाशित किया था कैमिलो गोलगी ने भीतर गाँव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है उत्तर प्रदेश में स्थित है निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा अंडर सेवनटीन महिला विश्व कप दो के मैच आयोजित नहीं किए गए थे तो गुजरात में आयोजित नहीं किए गए थे दोस्तों गुजरात में नहीं आयोजित किए गए थे देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन सहित उत्पादन के साथ ही विशिष्ट अवधि के दौरान मूल ह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यूज किया जाता है प्रयोग किया जाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक सौ से संबंधित हैं ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित हैं भारत का जो महालेखा परीक्षक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसके कर्तव्य और शक्तियाँ बताए गए हैं आर्टिकल वन में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक दो ने नारी कोरन नारी कोरवन और कुरीविकरण समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया है तो ये तमिलनाडु की हैं दोस्तों तमिलनाडु के तमिलनाडु समुदाय की हैं जिन्हें अनुसूचित जाति यानी कि अनुसूचित जनजाति एस्सी में शामिल किया गया है मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है तो मंदारिन जो है ये चाइना की आधिकारिक भाषा है दोस्तों चाइना देश की नील नदी का पानी किस में गिरता है भूमध्य सागर में गिरता है निम्नलिखित में से संगीतकारों के किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है तो मई 2023 तक पूछा गया था दोस्तों तो पंडित रविशंकर हैं और पंडित भीमसेन जोशी हैं पंडित भीमसेन जोशी हैं और पंडित रविशंकर हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है पंडित रविशंकर जो हैं ये सितार वादक हैं दोस्तों पंडित रविशंकर क्या हैं ये सितार वादक हैं फेमस सितार वादक हैं पंडित रविशंकर रोशन कुमारी सोना नारायण माया राव और कुमदनी लखिया प्रख्यात डैस कलाकार हैं तो ये कत्थक कलाकार हैं दोस्तों कत्थक से संबंधित हैं और कत्थक जो हैं ये उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है उत्तरी भारत का क्लासिकल डांस है कत्थक पंद्रह अगस्त उन्नीस को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के डैस ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था लाल किले के लाहौरी गेट पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे तो दोस्तों एसएससी एमटीएस की जो शिफ्ट हुई थी पहली इसमें कुल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे जिन प्रश्नों को हमने इस वीडियो में देख लिया है अब हम हमसेकेंड शिफ्ट के एग्जाम सेकंड शेप्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जी के जे के जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को करेंगे सेकंड शेप्ट के क्वेश्चन को तो पहला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था और इसे किसने जीता था इंडिया ने जीता था दोस्तों भारत ने जीता था भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से हैं मेवाती घराना से हैं निम्नलिखित में से कौन सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्लेइंग इट माई बे जो हैं ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई बे प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित हैं तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं निम्नलिखित में से कौन रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन अ नोबेल पुस्तक के लेखक हैं विक्रम चंद्रा हैं दोस्तों विक्रम चंद्रा की पुस्तक हैं रेड अर्थ एंड पोरिंग एन अ नोबेल जो हैं ये विक्रम चंद्रा की पुस्तक है मित्र मेला डैश द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था मित्र मेला जो है इसे स्थापित किया था विनायक सावरकर ने बी डी सावरकर ने स्थापित किया था पंडित भजन सोपोरी जिनका जन्म जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया के संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे तो पंडित भजन सोपोरी जो हैं ये संतूर वादक हैं दोस्तों संतूर वादक बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी फकीलों में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है देश बंधु कहते हैं चितरंजन दास को चितरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित हैं तो छोभ मंडल दोस्तों छोभ मंडल में वायुमंडलीय घटनाएं है होती हैं वायुमंडलीय मौसम संबंधित घटनाएं किसमें होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं देश का नुआखाई त्यौहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भद्रो यानी कि अगस्त सितंबर के चंद्र पखवाड़ी के पश्चिमी तिथि पाँचवें दिन को मनाया जाता है तो ओडिशा का है दोस्तों नुआखाई जो है यह कहाँ का है याद रखिएगा ओडिशा का फेमस त्यौहार है बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है नुआखाई फेस्टिवल जो है ओडिशा का है अट्ठारहवें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि पी के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं यानी कि पंद्रह वर्ष और उससे अधिक आयु के बीच बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2023 में घटकर डैस हो गई 9.2 परसेंट हो गई थी 9.2 पॉइंट टू परसेंट रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कोशिका शब्द का प्रयोग कब किया था या फिर कोशिका की खोज कब की, की थी तो अट्ठारह में कोशिका शब्द यानी कि सेल शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम अट्ठा में रॉबर्ट हुक ने वसुंधरा दौरा स्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष दो का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था तो भारत रत्न अबार्ड भारत रत्न के लिए इन्हें दिया गया दोस्तों भारत रत्न नृत्य शैली के लिए वसुंधरा दोरा स्वामी को संगीत नाटक अकादमी दिया गया है दो में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है तो केरला में नहीं होता दोस्तों केरला में केरला क्योंकि ये समुद्र तट के किनारे स्थित हैं इसलिए यहाँ पर दिन और रात में तापमान में टेम्परेचर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है डिफरेंस नहीं होता है शुद्ध गतिक सनता की गौस इकाई कौन सी है स्ट्रोक्स स्ट्रोक्स होती है स्टोक्स अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया था तो ऑनलाइन जुआ है जिस पर बें... जिसे बैन करने के लिए तमिलनाडु ने एक विधेयक एक्ट पारित किया था ऑनलाइन जुआ को बैन करने के लिए तमिलनाडु राज्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद बनतीस से तीस किससे संबंधित हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार से संबंधित हैं आर्टिकल ट्वेंटी नाइन से थर्टी हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार से संबंधित हैं और ये दोस्तों मूल अधिकारों में बताए गए हैं फंडामेंटल राइट्स में बताए गए हैं मूल अधिकारों में बताए गए हैं जो कि कुल छः मूल अधिकार हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्च ऑफ द फॉल ऑफ द अभिनया डील्स विद द यूज ऑफ कस्ट्यूम्स ज्वेलरी एंड फेसियल मेकअप एटीसी तो आहार अभिनय दोस्तों आहार अभिनय इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस राज्य ने चौवन वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीती है कर्नाटक ने जीता दोस्तों चौवन वर्षों के बाद कर्नाटक राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीती रियाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन अंतरण अदायगियों यानी कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स को सर्वोत्तम रूप से प्रभाषित करता है तो बिना किसी संगत वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान यही हमारा राइट right आंसर था ऑप्शन में यही दिया गया था तो यही राइट right आंसर था भारत के जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है त्रिपुरा की साक्षरता दर सबसे कम है दोस्तों त्रिपुरा राज्य की ऑप्शन में त्रिपुरा दिया गया था लेकिन अगर बात करेंगे भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है तो बिहार के दोस्तों बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है बिहार की कितनी है इकसठ पॉइंट लगभग कुछ है इकसठ परसेंट है दोस्तों बिहार की साक्षरता दर और सबसे ज़्यादा किसकी है तो याद रखिएगा केरल की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है केरल की नाइन्टी फोर परसेंट है साक्षरता दर ऑप्शन में त्रिपुरा दिया गया था तो यहाँ पर ऑप्शन में त्रिपुरा जो दिया गया था उसे लिखा गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद एक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है सही कथन दिया गया था कि ये सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है आर्टिकल 129 में क्या बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है यह आर्टिकल 129 में बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति यानी कि कैपिटल रिसिप्ट का एक एग्जाम्पल है तो सरकारी बंधपत्र की बिक्री है सरकारी बंधपत्र की बिक्री नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर रहा है तो भारत ने की है दोस्तों आई 2023 का जो तो ओडियाई क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसकी मेजबानी किसने की है इंडिया ने की है नृतांगना पद्मा सुब्रमण्यम अल्लार मेल बल्ली यामी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम डैश की महान प्रतिपादक हैं ये भारतनाट्यम से संबंधित है दोस्तों भारतनाट्यम की भारतनाट्यम से संबंधित हैं भारतनाट्यम के प्रतिपादक हैं और भारतनाट्यम जो है ये भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस है सबसे पुराना ओल्ड क्लासिकल डांस है और ये कहाँ का है याद रखिएगा तमिलनाडु का है भारतनाट्यम कहाँ का है तमिलनाडु का सबसे पुराना सबसे पुराना क्लासिकल डांस है थर्ड सेप्ट में जो फर्स्ट सेप्टेम्बर का थर्ड सेप्ट हुआ था अब उन प्रश्नों को कर लेते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है कर का भुगतान करना ये मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है संविधान में कुल ग्यारह मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वर्तमान में कुल ग्यारह मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों बयालीसवें संविधान संशोधन के दौरान वर्ष उन्नीस में जोड़ा गया था 1976 में किस समिति के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की, की सिफारिश पर जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को और कहाँ से लिया गया है तो याद रखिएगा रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है सोवियत संघ से माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है कमला दास की आत्मकथा है माई स्टोरी अगला प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 हजार वन्य जीवों और वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तो कथन एक दिया गया है सिटीज सरकारों के बीच एक समझौता है जो ये सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा नहीं है और कथन दो है कि सिटीज के तहत पौधों और जानवरों के नमूनों को उनके लुप्त होने के खतरे के आधार पर पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है कथन तीन है कि कन्वेंशन के तहत देशों को परमिट के माध्यम से सभी सूचीबद्ध नमूनों के व्यापार को विनियमित करना आवश्यक है। कथन फोर में दिया गया था कि जीवित जीवों के नमूनों के स्वात्तीकरण को विनियमित करने का भी प्रयास करता है तो यहाँ पर जो राइट आंसर था कथन एक तीन और चार जो हैं कथन एक तीन और चार सही हैं अगला प्रश्न है कि झारखंड में मावेशियों के सम्मान में डे से दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के दिन अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है सोहराय फेस्टिवल मनाया जाता है दोस्तों मावेशियों के सम्मान में सोहराय फेस्टिवल मनाया जाता है कहाँ पर झारखंड स्टेट में शुभमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की बनाने की वजह से चर्चा में थे वो किस खेल से संबंधित हैं तो शुभमन गिल जो हैं आप सभी जानते हैं ये एक क्रिकेटर हैं यदि एक एट पर सात न्यूटन का बल लगाया जाए तो वो पाँच मीटर तक गति करती हैं तो किया गया कार कितना होगा पैंतीस जूल होगा दोस्तों अगर आप सेवन को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन थर्टी फाइव जूल आएगा थर्टी फाइव झूल कार किया हो जाएगा तो राइट आंसर थर्टी फाइव जूल हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है तो द गाइड जो है ये मुल्क राज आनंद का उपन्यास नहीं है द गाइड बजट घाटा क्या है राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता बजट घाटा है राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता क्या है बजट घाटा है भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है पंद्रह से पैंतीस वर्ग हैं पंद्रह से पैंतीस वर्ष जो शामिल हैं उन्नीस में किस भारतीय संगीतकार ने राय कोडर के साथ अ मीटिंग बॉय द रिवर के लिए ग्रेमी पुरस्कार जीता था तो बिश्व मोहन भट्ट हैं जिन्हें ग्रेमी पुरस्कार दिया गया था बिश्व मोहन भट्ट को नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे भगत सिंह थे दोस्तों भगत सिंह देश के सदियों के सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्ध धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है तो गुजरात है दोस्तों गुजरात का जो सिद्धि धमाल नृत्य जो है ये गुजरात का है गुजरात राज्य का और ये लगभग 300 वर्ष पुराना है 2023 तो का आई फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था अहमदाबाद में आयोजित किया गया था निम्नलिखित में से कौन विश्व प्रसिद्ध सितार वादक था तो पंडित रविशंकर हैं जो विश्व प्रसिद्ध सितार वादक थे पंडित रविशंकर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था 1940 में किया था दोस्तों 1940 में स्वतंत्र राज्य की मांग की थी मुसलमानों ने 1940 में तो बाद में कौन सा राज्य बना था देश बना था पाकिस्तान बना था क्योंकि 1940 में मुसलमानों ने स्वतंत्र राज्य की मांग की थी भारत के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती हैं गोवा में नहीं चलती हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य कानूनी मामलों पर भारत सरकार को एडवाइस देना सलाह देना ही भारत के महान्यायवादी अटोर्नी जनरल का काल होता है कार होता है जो कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है अगला प्रश्न है कि किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है जो एक मंदिर के परिसर में किया जाता है तो कथक कली के शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र आयोजित किया जाता है कथक कली के शुरू होने से पहले पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में है चाइना में है दोस्तों चीन में स्थित हैं भेटारी मंदिर किस राज्य में स्थित हैं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निर्देशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी खोला था तो पंडित बिरजू महाराज हैं दोस्तों पंडित बिरजू महाराज हैं जो कत्थक से संबंधित हैं और इन्होंने कत्थक नृत्य का एक विद्यालय भी खोला था कलाश्रम के नाम से गेंगा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती हैं थायराइड ग्रंथि में थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने से गले में जो गले का जो आगे का भाग होता है उसमें सूजन आ जाती है थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि होने की वजह से और ऐसा क्यों होता है ये होता है दोस्तों आयोडीन की कमी से आयोडीन की कमी से होता है आयोडीन की कमी से आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि जो है इसका आकार बड़ा हो जाता है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीते थे पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता था पंजाब यूनिवर्सिटी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा तो सब होती है तो लेह में होती है लेह में सबसे कम वर्षा होती है याद रखिएगा मासिन राम जो है मासिन राम जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मासिन राम में राजस्व क्या कहें तो दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर देखी गई धनराशि को ही राजस्व बेव कहा जाता है अब हम करेंगे दोस्तों अब हम करेंगे दोस्तों फोर्थ सितंबर का जो पहली सेप्ट का एग्जाम हुआ था उनके प्रश्नों को तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग दो किस नदी पर विकसित किया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित किया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर निम्नलिखित में से छऊ नर्तक की पहचान करें जिसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 फरवरी 2023 में दिया गया प्राप्त हुआ है तो भुवन कुमार को दिया गया है भुवन कुमार को निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है न यानी कि पेरिसबिलिटी जो है ये मुद्रा की विशेषता नहीं है वोन अगेन द माउंटेन आई स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट किसकी आत्मकथा का शीर्षक है अरुणिमा सिन्हा की आत्मकथा का शीर्षक है अरुणिमा सिन्हा के निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता है जगजीत सिंह को कहते हैं गजल सम्राट जगजीत सिंह को कहा जाता है निम्नलिखित में से खारे पानी की झील कौन सी है खारे पानी की झील चिलका झील है दोस्तों और ये कहाँ पर है ओडिशा में दोस्तों ओडिशा में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिलका गेटो सोरा ने एरीना जूनियर बॉयज़ इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती वो किस राज्य से हैं अरुणाचल प्रदेश से हैं दोस्तों एरीना जूनियर जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट से हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भूपेन हजारिका भूपेंद्र हजारिका ने दो में देश के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार जीता था संगीत के क्षेत्र में दोस्तों डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका ने संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न अवार्ड जीता था संगीत के क्षेत्र में कालिदास सम्मान डेज की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित कला पुरस्कार हैं तो मध्य प्रदेश के द्वारा प्रदान किया जाता है कालिदास सम्मान बाल विवाह निषेध अधिनियम चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था 1929 में पारित किया गया था आई 2023 सी हज़ार क्रिकेट विश्व कप में कितने देश ने भाग लिया था दस देशों ने भाग लिया था दोस्तों दस देशों ने पार्टिसिपेट किया था दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है तो जब ध्वनि प्रतिबिंबित होती हैं जब ध्वनि प्रतिबिंबित होती है तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होती हैं राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं राज्यपाल करता है राज्य का राज्यपाल राज्य का गवर्नर करता है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है संजीवनी योजना है जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा डेयरी किसानों के द्वारा शुरू की गई है डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई है संजीवनी योजना विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सही चौड़ी की पहचान कीजिए जिन्होंने उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की है तो केरल और लक्षद्वीप हैं दोस्तों केरल की जो लिटरेसी रेट है दोस्तों नाइन्टी फोर परसेंट है और लक्षद्वीप की भी लगभग नाइन्टी फोर परसेंट के अराउंड है नाइन्टी थ्री से नाइन्टी फोर परसेंट लच्छद्वीप के भी लिटरेसी रेट हैं जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सैंतीसवे राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा तो गोवा है जो सैतीसवे राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा गोवा स्टेट हैं भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करते हैं कम आयु वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय को लक्षित करते हैं इफेक्ट करते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है मैंग्रोव वन को दर्शाता है सुंदरवन का डेल्टा जो कि है सबसे बड़ा डेल्टा है ये मैंग्रोव वन को दर्शाता है यहाँ पर मैंग्रोव वन जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र मुंबई हाई रीजन डेस खनन के लिए जाना चाहता है खनिज तेल के लिए जाना चाहता है मुंबई हाई क्षेत्र जो है खनिज तेल के लिए जाना चाहता है आठ अप्रैल दो हज़ार को निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था भारतीय संविधान का डेस भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है तो अनुच्छेद इक्यावन ए है जिसमें मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं और भाग भी याद रखिएगा दोस्तों भाग भाग चार का है दोस्तों भाग चार के अनुच्छेद इक्यावन ए में मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं अगला प्रश्न है कि डैश की दो परंपराएं हैं एक एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू हैं और दूसरा है राज तो मणिपुर नृत्य की दो परंपराएं हैं दोस्तों एक संकीर्तन और दूसरा है राज मणिपुर नृत्य की पद्मश्री पुरस्कार विजेता गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई वो व्यक्ति जो एक प्राचीन परंपरा को जीवित रख रहे हैं देश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री दो हज़ार में सम्मानित किया गया था तो भरतनाट्यम के क्षेत्र में कल्याण सुंदरम पिल्लई को भारत भरतनाट्यम क्षेत्र में भरतनाट्यम के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था दो में पूर्वी भारत में फैले कई आदिवासी समुदायों में साल के पेड़ का बहुत महत्व है उदाहरण के लिए देश त्यौहार झारखंड में पेड़ के सम्मान में आयोजित किया जाता है मनाया जाता है तो सरहुल फेस्टिवल है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सरहुल फेस्टिवल और ये दोस्तों झारखंड में पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है सरहुल फेस्टिवल नेक्स्ट है दोस्तों फोर्थ सेप्टेम्बर का सेकेंड सब्ट का एग्जाम पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बचाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं क्वेश्चन रिपीट किया गया है और ये सितार वादक हैं पंडित रविशंकर जो हैं ये विश्व के प्रसिद्ध सितार वादक हैं निदेशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ये वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है तो सत्तावादी है दोस्तों अथोरिटेटिव जो हैं ये वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है अथोरिटेटिव शंभु महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे ये लखनऊ घराने से दोस्तों शंभू महाराज जो थे ये लखनऊ घराने के थे महाराज जो हैं दोस्तों महाराज जिनके नाम में आता है वो लगभग लखनऊ घराने से ही संबंधित हैं भारत के निम्नलिखित में से किस देश को हरा करके भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हरा करके अपना पहला जूनियर हॉकी एशिया कप यानी कि मार्टिन ओमेंस जूनियर हॉकी एशिया कप का टाइटल जीता है तो दक्षिण कोरिया को हरा करके भारत ने जीता है दक्षिण कोरिया को हरा कर अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है हिंद महासागर का विस्तार है अरब सागर गोविंद सागर भाखड़ा नंगल परियोजना किस राज्य में स्थित है हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में पारित किया गया था ये किस राज्य से रिलेटेड है ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है गुब, गुबा और नोबा मुंडी खदानी भारत के किस राज्य में स्थित हैं ये दोस्तों झारखंड में स्थित हैं गुबा और नोबा मुंडी खदाने जो हैं ये झारखंड में स्थित हैं पुरुष हैंडबॉल खेल में बाल का भार कितना होता है बॉल का भार होता है 425 से 475 ग्राम होता है पुरुष हैंडबॉल में खेल में बॉल का जो वेट होता है 425 से 475 ग्राम होता हैं उन्नीस में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था अगला प्रश्न है कि बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने देश में पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं बैसाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है बैसाख में मनाई जाती हैं बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियमों में से एक हैं ये स्टेडियम किस राज्य में स्थित हैं ये दोस्तों उड़ीसा में स्थित हैं बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो हैं ये उड़ीसा में स्थित हैं मेघालय की डैश जनजाति का साध मस्ती या बिजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्यौहार के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है तो ये खासी जनजाति के द्वारा किया जाता है खासी जनजाति के दौरान नटबरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित हैं कथक से संबंधित हैं निम्नलिखित में से उस कुछ पड़ी नृत्यांगना को पहचानें जिन्हें वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2022 में पद्मश्री दिया गया था पद्मजा रेड्डी को जो कि एक कुछ ही पड़ी नृत्यांगना है पद्मजा रेड्डी जो हैं ये कुछ ही पड़े नृतांगना है इन्हें 2022 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है अनटचेबल जो है ये मुल्क राज आनंद का उपन्यास है नोबेल है हैंज आनंद का बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है सांची का स्तूप सबसे पुराना स्तूप है भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है निर्वाचन आयोग करता है इलेक्शन कमीशन करता है निम्नलिखित में से कौन सीता आन इलस्ट्रेटेड आन रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक हैं तो देवदत्त पटनायक हैं दोस्तों देवदत्त पटनायक हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में लड़ी गई थी सत्रह में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी और पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में हुई थी 1526 में और सेकंड लड़ाई हुई थी छप्पन में पंद्रह सौ छप्पन में सेकेंड लड़ाई हुई थी पंद्रह सौ छब्बीस में फर्स्ट और थर्ड हुई थी सत्रह सौ इकसठ में वित्तीय वर्ष यानी कि फिजिकल ईयर क्या है तो सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष है वित्तीय वर्ष आवर्त साढ़ी के समूह एक की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड के भीतर ही धूमिल हो जाती हैं या फिर जलने लगती हैं तो सोडियम धातु है दोस्तों जिसे खुला छोड़ देने पर ये जलने लगती हैं आग पकड़ लेती हैं इसलिए इसे किस में डूबो कर रखा जाता है कैरोसिन में डुबो कर रखा जाता है कैरोसिन में, कैरो में मिट्टी के तेल में इसे डिबो कर रखा जाता है क्योंकि इसे बाहर छोड़ने पर ये आग पकड़ लेती हैं और ये सबसे नरम धातु होती है इसे चाकू से आसानी से काटा भी जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी अफ़ग़ानिस्तान की आधिकारिक भाषा है तो दरी है दोस्तों दरी जो है ये अफगानिस्तान कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक आयाम है तो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक आयाम है ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचें दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को आल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे दोस्तों आगे है दोस्तों फोर्थ सेप्टेंबर का जो थर्ड सेफ्ट का एग्जाम हुआ था अब उन प्रश्नों को अब हम करते हैं फोर्थ सेप्टेंबर के थर्ड सेफ्ट के एग्ज़ाम का जो जे के जे प्रश्न है उन्हें करते हैं तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित हैं ये बोध गया बिहार में स्थित हैं वो सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में संसद सम्मक्ष बनाते हैं सक्षम बनाता है तो अविश्वास प्रस्ताव है दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव है भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी 1979 में शुरू की गई थी टी टी आर वाई एस ई एम योजना जो है ये उन्नीस में शुरू की गई थी डैश का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य ये भारतीय शास्त्रीय सा, नृत्य प्रदर्शनी की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैलियों में से एक हैं तो मोहिनी अट्टम का जो शाब्दिक अर्थ होता है जादू जादूगणनी का नृत्य होता है मोहिनी अट्टम का शाब्दिक नृत्य और शाब्दिक अर्थ होता है और मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है केरल का और केरल का और भी एक शास्त्रीय नृत्य है कथक कली अगला प्रश्न है दोस्तों पैराथायराइड हार्मोन के अपर्याप्त स्तर के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी निम्नलिखित में से किस स्थिति का कारण बनती है अल्प कैल्शियम अल्प कैल्शियम रक्तता का कारण बनती है अल्प कैल्शियम रक्तता रक्तता का कारण बनती हैं यानी कि हाइपो का कारण बनती हैं अगला प्रश्न है कि डंडारी नृत्य मंडलिया कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान डैस का प्रदर्शन करती हैं तो गुसाड़ी का प्रदर्शन करती है दोस्तों गुसाड़ी का निम्नलिखित में से प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सी हैं आ सेंचुरी इज नॉट एनफ अ सेंचुरी इज नॉट एन एफ जो हैं ये सौरव गांगुली की आत्मकथा है अ सेंचुरी इज नॉट एन एफ निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में अठारह के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुबर सिंह ने बिहार में अट्ठारह का विद्रोह किया था कुबर सिंह ने बिहार से केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को डैश के रूप में जाना जाता है आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है टीम रेस्ट ऑफ इंडिया टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में ईरानी कप जीता ईरानी कप किस राज्य में आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था डैश ग्रेमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं तो तनवी शाह हैं दोस्तों सौ तनवी शाह इंडिया की फर्स्ट ओमेन है जिन्हें ग्रेमी पुरस्कार दिया गया अगला प्रश्न है कि श्री जगन्नाथ जी मेला देश में आयोजित किया जाता है अलवर में आयोजित किया जाता है श्री जगन्नाथ मेला मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत सरकार निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं करेगी तो इसमें लैपटॉप नहीं प्रदान करेगी सीखो कमाओ योजना के तहत लैपटॉप नहीं दिए जाएंगे अगला प्रश्न है कि भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम देश में स्थित हैं ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित हैं भारत की जनगणना दो के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानपात सबसे कम है तो दमन और द्वीप का लिंगानुपात सबसे कम है और अगर स्टेट की बात करेंगे तो हरियाणा हो जाएगा दोस्तों हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है और केरला का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है केरला का अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है कि यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था दूसरा कथन है कि इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था तीसरा कथन है कि यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ किया गया था नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही कथन का चुनाव कीजिए तो यहाँ पर एक और दो जो हैं कथन एक और कथन दो जो हैं करेक्ट है दोस्तों कथन एक और दो जो हैं करेक्ट है ये अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और कथन दो में बताया गया है कि इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था भारत सरकार अधिनियम उन्नीस जो था बलसुबा संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था 1976 में पारित किया गया था और इसे दोस्तों लघु संविधान भी कहते हैं लघु संविधान अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है तो लघु संविधान कहते हैं बलसिभा संविधान संशोधन को किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल है तो बप्पी लहरी हैं जिनका जन्म स्थान कहाँ है पश्चिम बंगाल कोलकाता है प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को राज्य के किस नृत्य रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार द्वारा दो में माधवदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो सत्रिया के लिए इन्हें सम्मानित किया गया सत्रिया के लिए दोस्तों डॉक्टर सुनील कोठारी को सत्या सत्रिया नृत्य शैली के लिए सत्रिया नृत्य शैली के लिए माधवदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया दो में एस एच जी बैंक लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व आर के समर्थन से देश ने किया था नाबार्ड ने किया था आर के समर्थन से नाबार्ड ने किया था भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की सहवनता से संबंधित आयाम क्या हैं दाता निधि का दाता निधि पर निर्भरता हैं दाता निधि पर निर्भरता है अगला प्रश्न है कि आई जूनियर विश्व कप दो में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने दोस्तों छः स्वर्ण पदक जीते थे छः स्वर्ण पदक जीते थे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई हैं नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखे गए हैं नेल्सन मंडेला के द्वारा निम्नलिखित में से किसने अश्व शक्ति की एक इकाई स्थापित की जो एक घोड़े द्वारा एक मिनट में तैंतीस हजार फुट पाउंड काम करने के बराबर हैं जेम्स वाट ने स्थापित किया था दोस्तों जेम्स वाट ने ही भाप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने भारत की जलवायु का वर्णन करने वाले करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या हैं ओसड कटबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की कैसी जलवायु है ओसड कटबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की अगला है दोस्तों फाइव सेप्टेम्बर का पहली सेप्ट का एग्जाम कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली में स्थित है पशुधन के व्यापार के लिए प्राचीन युग के लोकप्रिय डैश जो एक महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहरनाथ मंदिर के पास होता है तो सोनपुर मेला है जो हरिहरनाथ मंदिर के पास होता है सोनपुर मेला है विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रेफ के नाम से जाना चाहते हैं कि भौगोलिक स्थिति क्या है ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में ही ग्रेट बैरियर रेफ स्थित है ऑस्ट्रेलिया में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी 1905 में किया था पंजाब राज्य सर निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन के लिए समृद्ध हैं उपजाऊ मिट्टी के लिए समृद्ध दोस्तों पंजाब की जो मिट्टी हैं बहुत ही उपजाऊ मिट्टी हैं किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रेमी पुरस्कार से सम्मानित किया, किया, किया गया था जाकिर हुसैन को दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन को सम्मानित किया गया था प्लेनेट ड्रम के लिए सम्मानित किया गया था जाकिर हुसैन को ये दोस्तों राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति जो थे वो नहीं है दोस्तों ये संगीतकार डॉक्टर जाकिर हुसैन जाकिर हुसैन हैं इनके डॉक्टर नहीं लगता है इनके आगे डॉक्टर नहीं लगता है सिर्फ़ जाकिर हुसैन हैं मीरा चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वूमेन ऑफ द ईयर 2022 सुना गया वो किस खेल से संबंधित हैं भारतोलन से संबंधित हैं मीरा चानू मीरा भाई चानू जो हैं ये भारतोलन से संबंधित हैं बेबलिटिन से संबंधित हैं निम्नलिखित तो में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण रे, पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है इन एग्जाम्पल हैं तो सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री है माइन कॉम्फ किस विश्वविख्यात शख्सियत की आत्मकथा है मेन काम्फ जो है एडोल्फ एडोल्फ हिटलर की पुस्तक है एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है और एडोल्फ हिटलर ने इसे लिखा था कहाँ पर जेल में लिखा था दोस्तों जब इसे जेल में बंद किया गया था तब इसने लिखा था गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में कितने राज्यों का चयन किया गया था छह राज्यों का चयन किया गया था राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है राज्यपाल की अनुशंसा आवश्यक होती है दो में किसे किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 हज़ार तेईस चैंपियनशिप आयोजित की गई थी तो बेंगलुरु में आयोजित की गई थी दोस्तों बेंगलुरु स्टेट में बेंगलुरु शहर में विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कथन एक है कि प्रधानमंत्री ने 2022 में बिजली मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना शुरू की कथन दो है कि इस योजना का उद्देश्य वितरण कंपनियों की परिचालन दक्षताओं और वित्तीय स्थायित्व में सुधार करना है कथन तीन है कि वित्त वर्ष दो हज़ार में वित्त वर्ष दो हज़ार तक इस योजना का लक्ष्य डिस्कॉम को वित्तीय सहायता प्रदान करना है कथन फोर है कि इस योजना के तहत पूरे देश में उपभोक्ताओं को 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है तो यहाँ पर कथन एक दो और चार जो हैं राइट आंसर हो जाएंगे कथन एक दो और चार जो हैं हमारे राइट आंसर हो जाएंगे अगला प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है असम का लोक नृत्य है बिहू रैखिक संवेग की माप मापन की इकाई के हैं रैखिक संवेग जो है इसकी यूनिट क्या होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है रैखिक संवेग की लीनियर मोमेंटम की इकाई होती है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में छा डाक व्यवहार के मार्ग यानी कि सेक्स से कम्युनिकेशन मेल चैनल्स का हिस्सा नहीं है तो मासिक चैनल हैं मंथली चैनल हैं गंगोबाई हंगल मुख्य रूप से किस घराने से संबंधित हैं किराना घराने से संबंधित हैं विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत की कितनी महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता था चार महिलाओं ने स्वर्ण पदक जीता है चार महिलाओं ने जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं बारह अनुसूचियाँ थीं जो जून दो तक और अभी भी कितनी हैं बारह अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में आर के नारायण देश के लेखक हैं द गाइड के लेखक हैं दोस्तों द गाइड पुस्तक जो है ये आर के नारायण की पुस्तक हैं शिशु पीलिया का सबसे स्पष्ट लक्षण कौन सा है जो आमतौर पर जन्म के बाद दूसरे और चौथे दिन के बीच दिखाई देता है तो आँखों और त्वचा का रंग पीला पड़ जाना इसका जो लक्षण होता है दोस्तों लक्षण होता है आँखों और त्वचा का रंग पीला पड़ पड़ शिशु पीलिया का लक्षण होता है आँखों और त्वचा का रंग पीला पड़ना मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मौलिनी हेमा मालिनी किस प्रशिक्षित डैश की नर्तकी हैं तो हेमा मालिनी जो हैं ये भारतनाट्यम की नर्तकी हैं भारतनाट्यम की, है भारत की. बैंकिंग में ब्याज शब्द का अर्थ क्या है ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धनराशि हैं ब्याज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2016 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करदा प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरा डैश नृत्य के प्रतिपादक हैं कालबेलिया नृत्य के प्रतिपादक हैं गुलाबो सपेरा जो हैं कालबेलिया नृत्य के प्रतिपादक हैं नेक्स्ट है दोस्तों फिफ्थ सेप्टेम्बर का जो सेकेंड सेब का एग्जाम हुआ था तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की थी डॉक्टर कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने किया था ऑस्कर पुरस्कार 2023 विजेता गीत नातू नातू के संगीत निर्देशक कौन है एम एम कीराबानी हैं एम एम केराबानी गौर मारिया डेस राज्य की एक नृत्य शैली आनंद और अहवान का एक प्रसिद्ध कला शैली है ये एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ का है गौर मारिया जो नृत्य शैली हैं ये छत्तीसगढ़ की हैं निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है कैबिनेट समिति नहीं है तो मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति जो है ये कैबिनेट समिति नहीं है कमेटी ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग मिनिस्टर्स जो हैं ये कैबिनेट समिति नहीं है आई एस एस एफ जूनियर विश्व कप दो हज़ार तेईस में भारत पदक तालिका में सीट्स पर रहा ये प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई थी जर्मनी में आयोजित की गई थी भीतरगाँव ईट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है गुप्त काल की वास्तुकला का अच्छा उदाहरण है दोस्तों भीतरगाँव ईट मंदिर जो हैं ये गुप्त काल का हैं लेटराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है निछालन से होता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन जीवनोयापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन असर सुनिश्चित करता है सभ्य जीवन असर सुनिश्चित करता है तो आर्टिकल फोर्टी थ्री है दोस्तों आर्टिकल फोर्टी थ्री हैं टी एन राज्य रत्न पिल्लई निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते है? हैं है? नाद स्वरम से संबंधित हैं दोस्तों टी एन राज्य रत्न पिल्लई जो हैं नाद स्वरम वादक हैं नाद स्वरम वादक हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज दर्ज की गई थी तो नागालैंड राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई नागालैंड स्टेट में ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी ऑफ अ योगी डैश की आत्मकथा हैं परमहंस योगानंद की आत्मकथा हैं ऑटोग बायोग्राफी ऑफ अ योगी जो हैं ये परमहंस योगानंद की आत्मकथा हैं शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को डैस कहा जाता है अभिनंदन सरोजा पुरस्कार कहा जाता है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन जलोड़ मृदा से बना है तो उत्तरी मैदान है दोस्तों जलोड़ मृदा से बना है उत्तरी मैदान है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम क्या है जीतू है जीतू जीतू, जीतू, जीतू जो हैं ये तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सफ़ेद और पीले रंग का ठोस है जिसमें हल्की सुगंधित गंध होती है जिसे ऊर्ध की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है तो एंथ्रासीन है दोस्तों एंथ्रासीन है जिसे ऊर्ध की प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है एंथ्रासीन है झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर डैस जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है तो मुंडा नृत्य दोस्तों मुंडा नृत्य जो है ये झारखंड का है डैश को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी जिनका जन्म जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भारत के अहिंसा आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था तो दो अक्टूबर अट्ठारह को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था दो अक्टूबर अट्ठारह को और दो अक्टूबर को ही गांधी जयंती मनाई जाती है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे चितरंजन दास थे दोस्तों चितरंजन दास जो हैं सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे किस राज्य में जूट मिलों की अधिकतम संख्या है मई 2022 तक पूछा गया दोस्तों 2022 दो तक पूछा गया है कि जूट मिलों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है पश्चिम बंगाल में है दूध समुद्री भोजन मेवे, साबुत अजानविक साबुत अनाज में कौन सा खनिज उच्च मात्रा में होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य और हमारे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया में सहायता करता है तो फास्फोरस होता है दोस्तों फास्फोरस ये मेबा और सबूत अनाज में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है जो हमारे हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है मनी स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो जो मनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मनी जो जो मनी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड की जाती हैं वही ही क्या होती है एक्सपेंडिचर होता है यानी कि खर्च होता है अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों कमर्शियल बैंक्स की मुख्य भूमिका क्या है तो आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना व्यावसायिक बैंकों की भूमिका है आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना माई कंट्री माई लाइफ डेस की आत्मकथा हैं लाल किर्स आडवाणी की आत्मकथा हैं मार्च 2023 में राजस्थान अपने लोगों को डेस का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तो स्वास्थ्य अधिकार प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान मार्च 2023 में अगला प्रश्न पूछा गया था कि पंचानबे वर्षीय भाग भगवानी देवी और 106 सौ छः वर्षीय रामबाई को उनकी उपलब्धियों के लिए संयुक्त रूप से बीबीसी विशेष ट्रॉफी से सम्मानित किया गया जहां देवी ने फिनलैंड के टाम्पेरे टाम्पेरे में डैश में सौ मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है तो 2022 हज़ार बाईस मार्टर्स मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता है दोस्तों दो 2022 के विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अगला है दोस्तों फिफ्थ सितंबर का सेकंड सेप्ट का एग्ज़ाम फिफ्थ सितंबर का सेकंड थर्ड सेप्ट का एग्जाम है दोस्तों सेकंड सेप्ट जो हमने देख लिए हैं भी नहीं लेकिन ये थर्ड सेप्ट का एग्जाम है क्वेश्चन पूछा गया था कि देवेंद्र झाझरिया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रापी यानी कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड पिक्स में कौन सा पदक जीता है रजत पदक जीता है दोस्तों रजत पदक जीता है वो ईरानी शासक कौन था जिसे जिसने सत्रह में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट कर ले गया तो नादिर शाह था जिसने सत्रह में भारत पर आक्रमण किया था नादिर शाह था भारत में महोगनी रोजबुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं ओसर कटबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं एक तत्व अट्ठारह तथें आधुनिक आवासाड़ी पेरिडिक टेबल जो है इसमें कुल एक तत्व हैं एलिमेंट हैं पंडित भीमसेन जोशी डैश घराने थे घराने से थे किराना घराने से थे पंडित भीमसे भीमसेन जोशी जो हैं ये किराना घराने से संबंधित हैं दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा हैं प्रशांत महासागर का हिस्सा हैं सांची स्तूप किस राज्य में स्थित हैं मध्य प्रदेश में स्थित हैं भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा द्विवेही तो है तो मालदीप के दोस्तों द्विवेही जो आधिकारिक भाषा हैं ये मालदीप की हैं मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव चौदह से सोलह जनवरी तक डैश राज्य की मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जाता है ओडिशा में भारत के किस राज्य में स्थानांतरित खेती को बरेगा के नाम से जाना चाहते हैं तो उड़ीसा की खेती को दोस्तों बरेगा के नाम से जानते हैं उड़ीसा की निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है तो भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना ये भारत का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है निम्नलिखित में से गलत नृत्य जोड़ी और संबंधित नृत्य शैली को पहचाने तो कुमकुम धड़ जो हैं ये कुचिपुड़ी से संबंधित नहीं है दोस्तों कुमक -कुम धड़ जो हैं कुमकुम धार जो हैं ये कुचिपुड़ी से संबंधित नहीं हैं दिए गए विकल्पों में से मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन करें तो द रेस ऑफ माई लाइफ ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा हैं द रेस ऑफ माई लाइफ जो हैं मिल्खा सिंह की आत्मकथा हैं जिन्हें फ्लाइंग जट के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध हैं तो आर डी बर्मन है दोस्तों आर डी बर्मन हैं जो पंचम दा के नाम से फेमस हैं अगला प्रश्न है कि भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की किस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्थानीय कला और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका के मिशन के स्वयं सहायता समूह के कारीगरों के समर्थन के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है इनोग्रेशन किया है तो अवसर योजना के तहत किया गया है अवसर योजना अवसर स्कीम के तहत किया गया है ए का पूर्ण रूप पूछा गया था दोस्तों कि ए का फुल फॉर्म क्या होता है तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है ए का पूर्ण रूप लेबंग बुमानी नृत्य का डेस फसल नृत्य है त्रिपुरा क्या है दोस्तों त्रिपुरा राज्य का लेब लेबंग बुमानी नृत्य जो है ये त्रिपुरा राज्य का फसल नृत्य है हार्वेस्ट डांस हैं निम्नलिखित में से कौन अनफ्रिस्ड अनफ्रिस्ड अ मेमायर पुस्तक के लेखक हैं प्रियंका चोपड़ा हैं दोस्तों अनफ्रिंस्ड अ मेमायर पुस्तक जो हैं इसके लेखक हैं प्रियंका चोपड़ा भारत ने फाइनल में किस देश को हरा करके दो हज़ार तेईस इंटर इंटर कॉन्टिनेंटल फूड इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीते हैं तो लेबनान को हरा करके जीता है इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जो है 2023 में लेबनान को हरा करके भारत ने जीता है महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं ओडिशा राज्य से हैं अगला प्रश्न है कि भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकरण प्राधिकारी कौन है राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट हैं कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संतति केंद्रों दो संतति केंद्र के बीच फ्रेंगोप्लास्ट का निर्माण डेस्क के दौरान होता है कोशिका द्रव विभाजन के दौरान होता है कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान होता है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी धोंडो केसो कर्बे के द्वारा की गई थी धोंडो केसो कर्बे के द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी जो कि ऑप्शन में दिया गया था धोंडो केसो कर्बे दिया गया था छः सेप्टेम्बर का जो पहली सेप्ट का एग्ज़ाम हुआ था उनके प्रश्नों को करते हैं अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूनीकरण विभाजन कहा जाता है क्योंकि ये शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को सामान्य संख्या से आधा कर देता है तो अर्धसूत्री विभाजन को कहते हैं म्योसिस को कहा जाता है कमख्या मंदिर किस शहर में स्थित हैं गुवाहाटी दोस्तों असम में स्थित हैं कमख्या मंदिर जो हैं गुवाहाटी असम में स्थित हैं गुवाहाटी के कमाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहारों में से एक हैं ये हर साल मानसून यानी कि मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए तीन दिनों के लिए बंद रहता है तो अम्बुवाची त्यौहार के समय दोस्तों अम्बुवाची फेस्टिवल के दौरान गुहाटू गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर अम्ब ये अम्बुवाची फेस्टिवल जो है गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में ही आयोजित किया जाता है अम्बुवाची फेस्टिवल और ये असम का है छब्बीस जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप को चुना गया था क्योंकि 1930 में इस तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैस का खुलासा किया था पूर्व स्वराज्य आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 में 26 जनवरी 1930 को पूर्व स्वराज्य आंदोलन का खुलासा किया गया था कांग्रेस के दौरान और इसीलिए 26 जनवरी को ही संविधान के उद्घाटन की तारीख सुनिश्चित की गई थी अगला प्रश्न है कि डैस सोंगी मुखबट्टे नृत्य असत पर सत्य की जीत का जश्न मनाते है नृत्य का नाम दो नृत्यकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखोटों से लिया गए हैं जो भगवान बिस्डू के एक पहलू नृत्य महा को दर्शाता है तो ये दोस्तों महाराष्ट्र का है महाराष्ट्र राज्य का किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी सर्कल स्टाइल विश्व कप जीता है 2022 में जीता दोस्तों 2022 में पाकिस्तान ने कबड्डी सर्कल स्टाइल विश्व कप जीती थी 2022 में भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करते हैं आर्टिकल सेवेंटी फोर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म वित्त संस्थान को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है तो कथन है कि सूक्ष्म वित्त संगठन यानी कि एम एफ आई एस गैर लाभकारी संगठन हैं जो कम आयु वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है फाइनेंशियल सेवाएं प्रदान करता हैं त्रिमुखी पंचमुखी सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालु की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत किबंती को दिया जाता है तो एम बाला मुरली किर्ट्सन दोस्तों एम बालालीम एम बाला मुरली कृष्ण है दोस्तों दोस्तो, जो त्रिमुखी पंचमुखी सप्तमुखी और नौमुखी तालु की रचना के श्रेय दिया जाता है एम बाला मुरली किरष्ण को द गाइड उन्नीस में भारतीय लेखक डैश द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया उपन्यास है आर के नारायण का उपन्यास है द गाइड जिसे लिखा था 1958 में आर के नारायण ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना है अगला क्वेश्चन है कि एले निनो का तात्पर्य क्या है गर्म जलधारा से है दोस्तों एले निनो जो है ये एक गर्म जलधारा होती हैं निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाती हैं तो प्लेइंग एट माई बे जो हैं ये बी बी एस लक्ष्मण की आत्मकथा नहीं है दोस्तों प्लेइंग एट माई बे जो हैं ये आप अभी पढ़ चुके हैं ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा हैं सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग एट माई बे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा हैं सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से रस्त गोफ्तार नामक पत्रिका किस समुदाय के द्वारा शुरू की गई थी पारसी समुदाय के द्वारा शुरू की गई थी अगला प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट 2021 हज़ार -202 के अनुसार एक देशों में भारत का कौन सा स्थान है एक सौ स्थान है भारत का मानव विकास रिपोर्ट में दो हज़ार -202 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य पर्पस है तो वित्तीय समायोजना को बढ़ावा देना और निर्भर बिन, निर्धनता निवारण निर्धनता निवारण इसका उद्देश्य है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी दिल्ली में की गई थी अगला क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण गलियाना जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा हैं वो भारत के किस भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है श्रीनगर और कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है उत्तर दक्षिण गलियारा जो है ये श्रीनगर और कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को डैश के रूप में जाना जाता है कोंकण तट के नाम से जानते हैं तरबी हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई थी निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय नाट्य तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में अपना कर नृत्य की एक संल शैली बनाने के लिए जाना चाहता है उदय शंकर को जाना चाहता है परमाणु संख्या पैंतीस वाले किस रासायनिक तत्व में गंध यानी कि बर्निन बर्निंग पनगेंट ओडियर वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है तो ब्रोमीन है दोस्तों ब्रोमीन का परमाणु संख्या क्या होता है पैंतीस होता है अगस्त 2021 तक भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त हैं तो आठ हैं दोस्तों वैसे तो भारत में नौ क्लासिकल डांस है दोस्तों जिसमें छ को भी ऐड किया जाता है लेकिन अगर संगीत नाटक अकादमी के अनुसार बात करें जिन्हें आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है तो आठ क्लासिकल डांस हैं और अगर पूछा जाए कि कितने क्लासिकल डांस हैं भारत में तो आठ क्लासिकल डांस हैं लेकिन अगर पूछा जाए कि कुल कितने क्लासिकल डांस हैं तो नौ हैं मार्च 2023 में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हरा करके महिला प्रीमियर लीग जीती हैं दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके महिला प्रीमियर लीग जीता है मुंबई इंडियंस ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है तो भारत सरकार अधिनियम उन्नीस से निर्देशों का समाधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत हैं दोस्तों अब हम करेंगे 6 सितंबर का जो सेकंड सेब का एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रश्नों को तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक डाक व्यवहार का मार्ग है कम्युनिकेशन मेल चैनल है ग्रीन चैनल है उस भौगोलिक विशेषता का नाम क्या है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती हैं जिब्राल्टर जल जलड मरुम्म है जिब्राल्टर जलडमरुमद हैं भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है तो कम आय वाले व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करना इसका उद्देश्य पर्पज है, है। भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान डैस को भारतीय खेलों में उनके योगदान और खिलाड़ियों की पीढ़ियों पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए बीबीसी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था प्रीतम सिचाओ को सम्मानित किया गया दोस्तों प्रीतम सिचाओ को भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित हैं आर्टिकल फोर्टी हैं निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम और कथक कली के नर्तकी हैं तो मृणालिनी सारा भाई हैं जो भारतनाट्यम और कथक कली से संबंधित हैं व्यक्तिक आय के संबंध में अंतरण भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो अंतरण भुगतान जो होता है ये व्यक्तिक आय के अंतर्गत ही शामिल होता हैं सभी जैन त्यौहारों में प्रसिद्ध महामस्तकाभिषेक हर बारह वर्षों में कर्नाटक के डेस में दिगंबर पवित्र प्रसन्न में मनाया जाता है कर्नाटक के बोल बेलगोला में मनाया जाता है दोस्तों सरबर बेलगोला में प्रत्येक बारह वर्षों में आगसीकृत पारे का सबसे आम का कौन सा है ज्वालामुखी गतिविधि और ओसढ़ स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या सिराओं में होता है तो सिनाबार हैं माधोपुर मेला डेस में आयोजित किया जाता है गुजरात के पोरबंदर में आयोजित किया जाता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका के दायर के अधिकार, अधिकार की गारंटी देता है अनुच्छेद बत्तीस से आर्टिकल थर्टी टू है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है और अनुच्छेद बत्तीस में संवैधानिक उपचारों के अधिकार बताए गए हैं भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है मैडम भिगाजी कामा को कहते हैं मैडम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक हैं अरविंद अड्डा हैं दोस्तों सिलेक्शन डे पुस्तक जो हैं अरविंद अड्डा के द्वारा लिखे गए हैं भारतीय भारतीय शिवाजी और कनक रेले डैश के विख्यात हैं मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है दोस्तों मोहिनी अट्टम के नृत्यांगना है भारतीय शिवाजी और कनक रेले निम्नलिखित में से किस सुधारक ने सबसे पहले कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था इस पर चंद विद्यासागर ने स्थापित किया था भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है बौद्ध धर्म के अनुयायी सबसे ज़्यादा हैं भूटान में निम्नलिखित नर्तकों में से कौन कथक के भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ा है तो पंडित बिरजू महाराज हैं निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शांसी नृत्य संगीत शास्य संगीत का उस्ताद माना जाता है तो बड़े गुलाम अली खान हैं दोस्तों बड़े गुलाम अली खान हैं जिन्हें हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत का उस्ताद माना जाता हैं भारत में आयोजित 2023 हज़ार विश्व कप चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया था उदय निधि इस्टालिन ने किया था उदय निधि इस्टालिन ने जो कि तमिलनाडु के हैं भारत में महावट कहें सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा को महाभट्ट कहते हैं सर्दी के दौरान चक्रवाती वर्षा को महाभट कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अपने लेखक के साथ सही ढंग से युग में थे तो द नाम सेक जो हैं द है, है। से, नेम शेख जो हैं ये झुम्पा लहरी का उपन्यास है नोबेल हैं द नोम नेम शेख झुम्पा लाहड़ी का उपन्यास हैं भारत के किस शहर में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में आयोजन किया गया था उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट द रेट ट्वेंटी फोर्टी सेवन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में निम्नलिखित में से किस सौ मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया था रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा सूच में एकल कोशिका का कोशिका वाले प्रकाश संश्लेषण जीव समुद्र के प्राथमिक उत्पादन के रूप में जाने जाते हैं वे जीव जो जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनते हैं तो पाद प्लबक हैं दोस्तों पाद पाद प्लबक हैं पाद प्लबक फाइटो प्लांट प्लांगोटन हैं फाइटो प्लांगटोन हैं भरोत स्तूप तो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं मध्य प्रदेश में स्थित हैं थर्ड सेप्टेम्बर का एग्जाम रेखम पदा नृत्य का, का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं अरुणाचल प्रदेश से हैं तो रेखम पदा जो नृत्य हैं ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रशंसित कथक नृतक हैं जिनके नाम कई पुरस्कार हैं पंडित बिरजू महाराज हैं जो कि कथक नृतक से संबंधित हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 10 सबसे गरीब राज्यों में शामिल है गुजरात राज्य है दोस्तों गुजरात राज्य यहां पर दोस्तों 10 सबसे गरीब राज्यों में शामिल नहीं है पूछा गया है तो गुजरात राज्य जो नहीं शामिल हैं गुजरात दोस्तों सबसे अमीर राज्य हैं सबसे अमीर राज्य अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र है महाराष्ट्र है सेकेंड नंबर पर गुजरात हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की थी सत्रह सौ तिरानबे में किया था अगला प्रश्न पूछा गया था कि डैश में मनाए जाने वाले प्रमुख प्रमुख त्योहारों में से मेदम मेफी यानी पूर्वजों की पूजा का त्यौहार हैं तो असम का त्यौहार है दोस्तों मेदम मेफी त्यौहार जो हैं ये असम का त्यौहार हैं निम्नलिखित में से सरकारी बजट में राजस्व का उदाहरण कौन सा है सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान राजस्व में से ही दिया जाता है द फॉल ऑफ अ स्पेरो की आत्मकथा हैं सलीम अली की आत्मकथा हैं भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था उन्नीस सौ बयासी में किया गया था नाइनटीन एट्टी टू में किस स्थान पर आयोजित की गई कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नरुचि ने स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहां पर सर्वप्रथम दादा भाई नरोचि ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था ट्रिप त्रे, त्रेप, ट्रिपोनोसोमा के प्रोटोचोबा के कारण होने वाली उस जानलेवा बीमारी का नाम बताइए जो संक्रमित संक्रमित से मक्खियों के काटने से मानव शरीर में फैलती हैं तो निद्रालु विधि है दोस्तों निद्रालु व्याधि है किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है विनिमय को सुगम बनाना ही मुद्रा का मुख्य कार्य है भारत के निम्नलिखित में से किस देश को हरा करके पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप दो हजार तेईस से जीत तेईस से जीता है तो पाकिस्तान ने जीता दोस्तों भारत ने जीता है पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप दो हज़ार तेईस से जीता है पाकिस्तान को हरा करके भारत ने भारत के राष्ट्रपति ने दो हजार तेईस में सनाथो सनाथोबा शर्मा को डैस के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है थांगटा के लिए सम्मानित किया गया है थांगटा के लिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस नागरिक के साहित्य विज्ञान कला और सामाजिक सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामित करता है राष्ट्रपति नामित करते हैं और राज्यसभा में राष्ट्रपति बारह सदस्यों को मनोनीत कर सकता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद उन्नीस का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के लिए अधिकार की गारंटी देता है तो खंड डी है दोस्तों खंड डी यानी कि अनुच्छेद उन्नीस कुलोच डी है जो भारत संपूर्ण भारत में कहीं पर भी भ्रमण करने जाने आने का अधिकार देता है राइट देता है छऊ नृत्य जिसे सांस्कृति मंत्रालय के द्वारा सात्य नृत्य के रूप में पहचान दी गई पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसके तीन अलग अलग रूप हैं निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है तो छत्तीसगढ़ का मारबाही चो जो, जो है ये नहीं है 2022 तो में केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मोल यानी कि समर्थन मूल यानी कि एम के मुद्दों पर गौर करने के लिए पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव देश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दों पर गौर करने के लिए पिंजर डैस का उपन्यास है अमृता प्रीतम का उपन्यास है अमृता प्रीतम का उपन्यास है पिंजर मृदा विज्ञान के क्षेत्र में ह्यूमस को क्या माना जाता है मृदा में छय मान कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन संतूर नामक संगीत यंत्र का प्रसिद्ध वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा हैं फसलों का कौन सा समूह रेसेदार फसलों से संबंधित हैं और भारत में बड़े पैमानों पर उत्पादित किया जाता है जूट और भांग है दोस्तों जूट और भांग है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उपदेतन के नाम से जाना जाता है प्रादीपीय पठार है जिसे दक्कन उपदेतन के नाम से जानते हैं प्रादीपीय पठार को अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया गेट की रूपरेखा तैयार की थी एडविन लुटियंस है दोस्तों जो कि दिल्ली के वास्तुकार भी थे एडविन लुटियंस ने ही इंडिया गेट की रूपरेखा को डिजाइन किया था इंडिया गेट जो है इसे डिजाइन किया था एडविन लुटियंस ने किस भारतीय संगीतकार का संबंध बांसुरी से है तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं जो प्रसिद्ध वादक हैं जॉन डोल्टन ने 1808 में रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रकाशित किया था परमाणु सिद्धांत प्रकाशित किया था जॉन डोल्टन ने अगला दोस्तों 8 सितंबर का जो पहले सेप्ट का एग्जाम हुआ था अमेरिकी प्रश्नों को कर लेते हैं तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि 2023 में स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह को निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? के के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया अजय सिंह को एसो चैम के चेयरमैन के रूप में भारत में मानसून निवर्तन किस महीने के दौरान होता है अक्टूबर और नवंबर के दौरान होता है किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित कुल आयु को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है आय विधि का उपयोग किया जाता है हिंदू सुधार संगठन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी राजा राम मोहन राय ने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से घिरा है तो प्रशांत महासागर है दोस्तों जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से घिरा प्रशांत महासागर हैं आन अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा का शीर्षक हैं आन अनसुटेबल बॉय जो हैं ये आत्मकथा हैं करण जोहर की रासायनिक आबंधों का बाल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है हुक के नियम का पालन करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्री उत्सव डेस राज्य में मनाया जाता है ड्री उत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश स्टेट का उत्सव है ड्री उत्सव नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नृत्य का डेय शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना तो अभिनय है दोस्तों अभिनय 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 शब्द 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 जो 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 है जो है अभने, अभने जो है दोस्तों संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ है की ओर ले जाना कोशिका भित्ति की अधिकांश यांत्रिक शक्ति के लिए उत्तरदायी प्राथमिक संरचनात्मक घटक कौन सा है सेल्यूलेज हैं निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना ये निर्देशक सिद्धांत नहीं है कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था सबने अवज्ञा आंदोलन था अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नृत्य के लिए किस रूप को कोमल कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है लास्या के लिए कहा जाता है दोस्तों लास्य के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था 2023 में पहला जनजातीय महोत्सव आयोजित किया गया था 2023 में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं नेपाल में स्थित हैं व्यक्तिगत आय क्या है तो करों और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय को ही व्ययतिक आय पर्सनल इनकम कहा जाता है रोहित शर्मा अक्टूबर 2022 में कितने टी ट्वेंटी क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने हैं चार सौ टी ट्वेंटी क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय बने हैं रोहित शर्मा चूंकि कैप्टन हैं इंडिया टीम के सांची स्तूप शोप की नीव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी अशोक के द्वारा सम्राट अशोक के द्वारा रखी गई थी सम्राट अशोक ने ही सांची के स्तूप का निर्माण कराया था नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन द जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक हैं अनुजा चौहान है दोस्तों अनुजा चौहान जो हैं अनुजा चौहान जो हैं द जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं अनुजा चौहान हैं पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई तेईस मीटर होती हैं तेरह मीटर होती हैं निम्नलिखित में से किसे नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 नहीं मिला दो फरवरी 2023 तक यहां पर बात की जा रही है तो सुमित्रा गोहै जिन्हें नहीं दिया गया भारत के सरकार भारत में सरकार के तीन स्तर कौन से हैं संघ सरकार राज्य सरकार और स्थानीय सरकार ये भारत सरकार के तीन स्तर हैं तीन लेबल हैं निम्नलिखित भारतीय गायकों में से किसे गजल किंग यानी कि गजल सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो जगजीत सिंह को गजल किंग कहा जाता है जगजीत सिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट पर बंदरगाह का उदाहरण है तो मुंबई बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पर स्थित हैं पंडित जानकी प्रसाद का संबंध निम्नलिखित में से किस कथक घराने से हैं बनारस घराने से इनका संबंध है अगला है दोस्तों आठ सितंबर का सेकंड सेकेंड का एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था कि अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाहें ख्वाजा मोनिद्दीन चस्ते की दरगाह है दोस्तों ख्वाजा मोनुद्दीन चस्ती की रुकमणी देवी अरुणेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं भारतनाट्यम से संबंधित हैं काची राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित हैं असम में स्थित हैं दो हजार तेईस विश्व कप विश्व स्क्वेच चैंपियनशिप निम्नलिखित किस राज्य में आयोजित की गई थी तमिलनाडु राज्य में आयोजित की गई थी दो तेईस का जो वर्ल्ड स्क्वेज चैंपियनशिप था ये तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया गया था चापचोर कोट डैश राज्य का एक त्यौहार है ये झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जी यानी कि जंगल साफ करने जलने के अवशेषों को साफ करना के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है तो चापचोर कोट त्यौहार जो हैं ये मिजोरम राज्य का त्यौहार हैं मुमताज खान को 2022 में एफ आई एच वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर नामित किया गया था वो निम्नलिखित में से कौन से खेल खेलते हैं तो हॉकी खेलते हैं दोस्तों मुमताज खान जो हैं ये हॉकी से रिलेटेड हैं गरबा मौलिक कर्तव्य डेस आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा छः से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा ऐसा गरबे मौलिक कर्तव्य में बताया गया है एस अगेंस्ट और से किसकी आत्मकथा का शीर्षक है सानिया मिर्जा की आत्मकथा का टाइटल है एस अगेंस्ट और से जो हैं ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा हैं बिंग्स ऑफ फायर बिंग्स ऑफ फायर ऑन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक हैं बिंग्स ऑफ फायर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा डेस वर्ष में शुरू की गई थी उन्नीस में शुरू की गई थी किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्चा का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है बे विधि का उपयोग किया जाता है गालिची उपकरण में मौजूद चपटी छिल्ली से घिरी थैलियाँ किस नाम से जानी जाती हैं कुंड के नाम से जानी जाती हैं वर्ष 2004 से 2009 तक झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे डैश दो हज़ार डैश का 2022 में लखनऊ में निधन हो गया तो सैयद सिब्ती रजी हैं दोस्तों सैयद सिब्त रजी हैं जो झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे इनका 2022 में लखनऊ में निधन हो गया था अगला प्रश्न है कि आई यू पी एस सी नामकरण आई यू पी एस सी नामकरण के अनुसार किस क्रियात्मक समूह की विशेषता बॉन्ड ओ एच समूह की उपस्थिति है जो आमतौर पर पानी के साथ पानी की तरह मोड़े हुए आकार के होते हैं तो एल्कोहल की होते हैं दोस्तों ओ एच समूह जो हैं ओ एच ओएच समूह जो हैं ये अल्कोहल में पाया जाता है मन्ना डे दे डेस के क्षेत्र में भारत के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं संगीत के क्षेत्र में संगीत से रिलेटेड हैं मन्ना डे भारत की जनगणना 2011 की अनुसार के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है लक्षद्वीप स्टेट लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौगम झील है टिटी काका है दोस्तों टिटी गागा सबसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक हैं दुनिया की भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है आर्टिकल 153 फिफ्टी है जो बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा डेस कथक नृत्य शैली की एक महान हस्ती हैं जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने नृत्य सामग्री के रूप में वर्णित किया है तो सितारा देवी हैं दोस्तों सितारा देवी निम्नलिखित में से सूक्ष्म वित्त संस्थानों के द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सामान्य वित्तीय सेवा कौन सी है तो कम आयु वाले व्यक्तियों को उद्यमशीलता गतिविधियों के लिए छोटे ऋण प्रदान करना इसकी वित्तीय सेवा यानी कि इसका पर्पस है उद्देश्य है आई एफ एस एफ जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में अमनप्रीत आम, सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है तो पुरुषों की पच्चीस मीटर पिस्टल में जीता दोस्तों पुरुषों की पच्चीस मीटर पिस्टल में अमन अमनप्रीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है पुरुषों के पच्चीस मीटर पिस्टल में, में. आर्म्स एक्ट और वर्णाक्यूलर प्रेस एक्ट प्रेस एक्ट के सुबर्ष पारित किए गए थे 1878 में पारित किए गए थे आर्म्स एक्ट और वर्णाक्यूलर प्रेस एक्ट जो हैं एटीन में पारित किया गया था निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीतकार भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला संगीतकार था एम एस सुब्बुल्छमी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी एनी बेसेंट थीं राठवा जो राज्य के निवासी हैं होली रंगों का त्यौहार के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं तो राठवा ये गुजरात के हैं दोस्तों गुजरात राज्य के निवासी हैं राठवा गुजरात राज्य के निवासी हैं और ये होली के होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राठवा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किस निवासी के द्वारा मनाया जाता है राठवा के द्वारा मनाया जाता है और ये कहाँ पर निवास करते हैं गुजरात राज्य में निवास करते हैं तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी इसमें हमने इसमें हमने आधी जो सत्ताईस सेप्ट हुई थी उनमें से कुल आधे सेप्टों को कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम और जो सेप्ट बाकी रह गए हैं उन प्रश्नों को करेंगे तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेल आइकन को आल पर क्लिक कर लीजिए वेल आइकन को आल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम